और मिस्र की अपनी 5 दिवसीय यात्रा के बाद भारत लौट आए हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक रही है और इस दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। दरअसल पालम हवाई अड्डे पर उतरने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पीएम मोदी का स्वागत किया और इसके साथ ही दिल्ली के सभी सांसद भी पीएम के स्वागत के लिए मौजूद थे। एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा और पार्टी नेताओं ने मिलने पर पीएम मोदी के पास उनके लिए सवाल तैयार था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को जो बाइडेन और जिल बाइडेन के निमंत्रण पर अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा पर निकले थे। उसके बाद न्यूयॉर्क में उन्होंने 21 जून को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का नेतृत्व किया और इसके बाद पीएम मोदी वाशिंगटन डीसी पहुंचे, जहां बाइडेन ने व्हाइट हाउस की में उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने 22 जून को ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने यूएस कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। वहीं मिस्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति अल सीसी ने मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया। ये प्रधानमंत्री मोदी को विदेश में मिला 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएस और मिस्र के दौरे के बाद भारत लौटने पर बीजेपी नेता हंसराज हंस ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है और कहा है कि आप छा गए दुनिया की कैनवास पर और ये छोटी और संक्षेप मुलाकात थी। दूसरी तरफ पीएम मोदी की राजकीय यात्रा के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट किया है। बाइडेन ने ट्वीट में लिखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच की दोस्ती दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण दोस्ती में से एक है और ये पहले से कहीं अधिक मजबूत, करीब और अधिक गतिशील भी है। आशीर्वाद दिया, हमने बधाई दी, हमने बोला साहब जी छा गए आप दुनिया की यानी कैनवस पे। तो जितनी बार स्टैंडिंग ओवेशन में बहुत सारी फीलिंग्स थी, लेकिन छोटी और संक्षेप मुलाकात थी। बात तो ये थी कि मेरा पिया घर आया, गड़ियाली दे निकाल ली, मेरा पिया घर आया। थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 दिवसीय यूएस के राजकीय दौरे और मिस्र के दौरे के बाद भारत लौटे हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। पीएम मोदी ने भारत लौटने पर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ये बेहद सफल दौरा रहा और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को जो भी सम्मान मिला है वो पूरे देश का सम्मान था। कहा कि अरब देशों में मिस्र का स्थान एक मां के स्थान के रूप में है और उसने जब प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जो कि भारत के प्रति भी सम्मानित है। बहुत ही सफल दौरा रहा। इस दौरे के दौरान जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को एक भारत के प्रधानमंत्री होने के रूप में इज्जत मान सम्मान मिली, तो वो इज्जत मान सम्मान पूरे देश की इज्जत मान सम्मान है। और पहले पापुआ गिनी के राष्ट्राध्यक्ष ने उनके पांव छूकर बड़े भाई के तरीके से व्यवहार किया, इस बार एक सिंगर ने उनके पैर छूने का प्रयास किया। तो पता चलता है कि भारत की सभ्यता संस्कृति के प्रति भी लोग जागरूक हो रहे हैं और लगातार जो है उसके विषय को आगे बढ़ा रहे हैं और तमाम चाहे टेक्निकल डील्स हो, चाहे इकोनॉमिक फाइनेंशियल डील्स हो और कोऑपरेशन हो, ये अब तक 75 वर्षों में सबसे ऊंचाई की तरफ जो है रिश्ते बेहतरी की ओर बढ़े हैं। मिस्र में सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। देखिए अरब देशों में मिस्र का जो स्थान है वो एक माँ के स्थान के रूप में है और उसमें जब भारत के प्रधानमंत्री जी को मान सम्मान हाईएस्ट ऑर्डर से ऑर्डर ऑफ द नाइल से उसको सम्मानित किया जाता है प्रधानमंत्री जी को, तो वो कहीं ना कहीं भारत के प्रति एक बहुत अच्छा भाव और भारत को भी मान सम्मान मिला और दोनों बहुत ही पुरानी सभ्यताएं हैं, संस्कृति है जिसके माध्यम से ये सब प्राप्त हुआ है और बहुत पुराने रिश्ते हैं जो आज तक का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू के एक